अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। कलकत्ता में शाहरुख खान ने यह बयान देकर यह जता दिया है कि पठान का विरोध करने वालों का उन्हें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। पहले तो शाहरुख ने फिल्म में रचनात्मकता के नाम पर अश्लीलता फैलाई और फिर उस पर सवाल उठे तो सोशल मीडिया पर ही ठीकरा फोड़ दिया। सोशल मीडिया इज ऑफन ड्रिवन बाय अ सर्टेन नैरोनेस ऑफ व्यू दैट लिमिट्स ह्यूमन नेचर टू इट्स बेसर सेल्फ। आई रेड समवेयर दैट नेगेटिविटी इंक्रीजेस सोशल मीडिया कंजम्पशन and thereby increases its commercial value as well. Such pursuits enclose the collective narrative, making it divisive and destructive. लेकिन शाहरुख खान ये भूल गए कि ये सोशल मीडिया ही उन्हें स्टार भी बनाती है। उनके अच्छे कामों पर यही सोशल मीडिया उनकी वाहवाही करती है। इसी मीडिया ने एक सामान्य शाहरुख को किंग खान बनाया है और यही सोशल मीडिया दक्षिण भारत की रचनात्मक फिल्मों को हाथों हाथ ले रहा है और उसकी खूब प्रशंसा कर रहा है। लेकिन शाहरुख की ये हेकड़ी अब ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। एक तरफ तो हिंदू संगठनों ने पहले ही शाहरुख के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो अब मुसलमान भी शाहरुख के खिलाफ उतर आए हैं और उन्होंने भी इस फिल्म के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश के उलेमा बोर्ड ने कहा है कि वे फिल्म को सूबे में रिलीज नहीं होने देंगे। इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने भी पठान का विरोध शुरू कर दिया है और उसके विरोध में पिघल फूंक दिया है। उन्होंने कहा कि फिल्म को देश भर में रिलीज नहीं होने देंगे। इन मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि शाहरुख खान मुस्लिम धर्म को बदनाम कर रहे हैं, इसलिए ये फिल्म कहीं रिलीज नहीं होनी चाहिए। कि पठान नाम से कोई फिल्म बनाई गई है जिसमें मजहब इस्लाम के कानून और उसूलों का मजाक उड़ाया गया है, बहुत बेहूदगी अश्लीलता और नंगापन दिखाया गया है और इस्लाम को बदनाम करने की साजिश की गई है। हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों में इस फिल्म को लेकर बेहद गम, गुस्सा, नाराजगी, आक्रोश है। हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों से, बिलखुसूस नौजवानों से ये अपील करना चाहते हैं कि इस्लाम का मजाक उड़ाने वाले, इस्लाम के दुश्मन, वो चाहे कोई भी हो, शाहरुख खान हो या कोई भी खान हो, उनकी सख्त से सख्त मुखालिफत की जाए। और हम हुकूमत से मांग करते हैं कि ऐसी तमाम फिल्में या ऐसी तमाम एक्टिविटीज पर तुरंत बैन लगाया जाए और ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के तमाम मेंबरान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हम किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में मजहब इस्लाम की तोहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी फिल्म को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने एक स्टैंड लिया है। उन्होंने मजम्मत की है इस फिल्म की, बायकॉट किया है। उन्होंने अपील की है कौम मिल्लत के नौजवानों से, कौम मिल्लत के लोगों से कि इस फिल्म को बिल्कुल ना देखें। आपको बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इस फिल्म पर बैन की बात कह चुके हैं। आपको बता दें कि गुरुवार को 8वें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के शुभारंभ के मौके पर शाहरुख कोलकाता पहुंचे थे। कार्यक्रम का उद्घाटन सीएम ममता बनर्जी ने किया। मौके पर बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारे भी पहुंचे थे। इसमें पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान भी पहुंचे और यहां उन्होंने जो कहा वो चर्चा का विषय बन गए। और कुछ दिनों से हम लोग यहाँ पर नहीं आए हैं, आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाए हैं, आप लोगों से मिल नहीं पाए हैं, लेकिन अब दुनिया जो है नॉर्मल हो गई है। हम सब खुश हैं, मैं सबसे ज्यादा खुश हूं और ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। अब देखना होगा कि शाहरुख की फिल्म का क्या अंजाम होता है। क्या लोग उनकी इस बात का समर्थन करते दिखते हैं या फिर बाकी फिल्मों की तरह शाहरुख की ये पठान भी हुस्स होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। VK News, राष्ट्र के नाम।